हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। घुटनों में गैप, दर्द या घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है तो ये एक प्रयोग उसे पक्का ठीक कर देगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आपके घुटनों में गैप बढ़ने लग गया है, घुटनों की ग्रीस चिकनाहट खत्म हो गई हो या घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, इन सभी कारणों को दूर करके आप अपने घुटने को नया जीवन दे सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक घरेलू उपाय बताएंगे। दरअसल घुटनों में ग्रीस कहना एक अनपढ़ भाषा का उपयोग है। घुटनों में कोई ग्रीस खत्म नहीं होती, घुटनों में साइनोविया फ्लूड की कमी हो जाती है जो दो हड्डियों के बीच में ल्यूब्रिकेशन बनाए रखता है, जिससे उसके कार्टिलेज पर दबाव नहीं पड़ता। इसकी कमी होने के कारण घुटनों में उठने बैठने में अत्यधिक दर्द होता है, घुटनों से आवाज भी आती है। फिर इसको लोग ये भी कह देते हैं कि घुटनों में गैप पड़ गया है। ये प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रयोग के दौरान कुछ चीज़ों का पालन करना होगा, फिर ही ये प्रयोग बिल्कुल सही होगा। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, पहले घुटनों के बल या पालथी मारकर बैठ जाए, उसके बाद ही पानी पीजिए, वो भी घूट घूट। गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए। जौ या बेजड़, जिसमें गेहूं, जौ, चना मिश्रित होता है, की रोटी खानी है। ये समस्याएं अधिकतर बुढ़ापे में आती थी, मगर अभी ये ऊपर बताए गए कारणों के कारण, जिनमें वजन बढ़ जाना, खड़े होकर काम करना, पानी खड़े होकर पीना, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ों का अधिक सेवन करना मुख्य है। ये प्रयोग कीजिए, फिर उसके बाद बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। पहला प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, जिसे आपको 10 दिन तक करना है। इसके लिए सहजन की छाल 10 ग्राम अर्थात 2 चम्मच 2 ग्लास पानी में 1/4 रहने तक धीमी आँच पर पकाएं। फिर इसको उतार कर अच्छे से इस पाउडर को पानी में निचोड़ कर फिर इसको छान लें किसी कपड़े की मदद से और इसको घूट घूट कर पी लें पालथी मारकर। यही प्रयोग आपको दिन में कम से कम 3 से 5 बार करना है और ऐसा आपको 10 दिन तक करना है। आप देखेंगे कि आपके घुटनों में नई जान आने लगी है। दूसरी प्रयोग है 10 दिन के लिए, जो कि है शल्लकी नामक एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। पहले तो इस पेड़ की छाल 10 ग्राम 2 ग्लास पानी में गर्म करें और 1/4 रहने पर इसको पी लें। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है। अगर स्थिति ज़्यादा कठिन है तो इस काढ़े में 1 ग्राम लोबान गोंद, जो इसी पेड़ की गोंद होती है, वो भी डाल लें, या इसकी गोंद को दूध में डालकर भी पी सकते हैं। इसके साथ में रात को सोते समय आपको क्या करना है, 5 बादाम, 11 मुनक्का, 7 अखरोट, 5 खजूर, इन सभी चीज़ों को एक साथ पानी में भिगोकर रात्रि में रख दें और सुबह नाश्ते में पहले खाएं और साथ में गर्म गर्म दूध पिए। इस दूध में लोबान की गोंद 1 ग्राम डालकर गर्म करें। कुछ दिन तक ये प्रयोग रोजाना करें। ऐसा करने से घुटनों के दर्द में आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।